मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह का एक बड़ा निर्णय सामने आया है। इस निर्णय में राहुल सिंह ने सीईओ जिला पंचायत को उनके कार्यालय में प्राप्त होने वाली शिकायतों और उनके निस्तारण की प्रक्रिया को सूचना के अधिकार के तहत सार्वजनिक करने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल मामला आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी की एक आरटीआई से जुड़ा हुआ है। सीईओ जिला पंचायत कार्यालय रीवा में दायर की गई आरटीआई में सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने कुछ निश्चित वर्षों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा कार्यालय में प्राप्त हुई शिकायतों और उनके निस्तारण की जानकारी चाही गई थी। जब आरटीआई की जानकारी समय सीमा में नहीं मिली तो आवेदक ने प्रथम अपील की थी। प्रथम अपील का भी विधि सम्मत निराकरण न होने पर मामले की द्वितीय अपील सूचना आयुक्त भोपाल में की गई थी। जब सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने मामले की सुनवाई अपने अरेरा हिल्स भोपाल स्थित सूचना भवन में की तो सीईओ जिला पंचायत रीवा में तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी को जानकारी छुपाने और आरटीआई की 30 दिन की समय सीमा में आवेदक को जानकारी न प्रदाय किए जाने का दोषी पाया। इसके बाद सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने आदेश जारी किया कि कार्यालय में उपलब्ध जानकारी तत्काल आवेदक को उपलब्ध कराई जाए और सूचना आयोग भी उसको साथ में सूचना आयोग को उससे अवगत कराया जाए। मामले पर जब आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि सीईओ जिला पंचायत रीवा कार्यालय में आरटीआई कानून की हत्या की जा रही है। आवेदकों को कभी भी समय सीमा पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती, लेकिन सूचना आयुक्त राहुल सिंह के इस आदेश के बाद उम्मीद की जा रही है कि अब सूचना के अधिकार कानून को गंभीरता से लिया जाएगा। यदि अब भी जानकारी न दी जाएगी तो निश्चित तौर पर दोषियों के विरुद्ध 25,000 रुपये के जुर्माने और धारा 20 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग सूचना आयोग से की जाएगी। साथ ही लोक प्राधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर कार्यरत सीईओ जिला पंचायत रीवा को भी उल्लंघन के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा। देखिए मामले पर आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने क्या कुछ जानकारी दी है। देखिए एक मामला है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का ये आदेश है, आदेश क्रमांक A5039/2023। ये आदेश दिनांक इसमें है 27/3/2024। मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्य सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह जी के द्वारा ये आदेश जारी किया गया था। ये आदेश बेसिकली है, हमने एक आरटीआई लगाया था, आरटीआई जिला पंचायत रीवा में लगाया था, कार्यालय सीईओ जिला पंचायत रीवा, वहाँ पर हमने आरटीआई लगाकर 3-4 बिंदुओं की जानकारी चाही थी, जिसमें से 1-2 बिंदु की जानकारी इससे संबंधित थी कि कितनी शिकायतें आती हैं। सिर्फ शिकायतों की हमने संख्या पूछी थी 3-4 साल के अंदर कि इनकी कितनी शिकायतें आती हैं, शिकायतों का कितना वार्षिक तौर पर इनका निराकरण किया जाता है, उसका एक डेटा चाहा था। तो इनके द्वारा वो जानकारी देने से मना कर दिया था। इधर उधर गैर कानूनी ढंग से नियम कायदों का हवाला देते हुए इन्होंने जानकारी देने से मना किया। फिर हमने उसकी प्रथम अपील की, प्रथम अपील भी सीईओ जिला पंचायत कार्यालय में हुई, वहाँ से भी जानकारी नहीं मिली। इसके बाद नियमानुसार हमने इसकी द्वितीय अपील मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की, तो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में जब ये सुनवाई हुई 27/3/2024 को ये आदेश पारित हुआ। इन्हें इनमें आदेश में मध्य प्रदेश राज्य सूचना
आयोग के तत्कालीन सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह जी ने इसमें आदेश दिया और उन्होंने ये कहा कि ये जो भी जानकारी है, शिकायतों की जो संख्या है, शिकायतों का जो व्यवस्था है, कार्यालय में कैसे संधारित किया जाना है, कैसे उनका निराकरण किया जाना है, निश्चित तौर पर सभी कार्यालयों में ये व्यवस्था रहती है। तो जब सभी कार्यालयों में व्यवस्था रहती है तो सीईओ जिला पंचायत कार्यालय में भी ही होगी, तो ये जानकारी कार्यालय में उपलब्ध होनी चाहिए। और चूंकि ये जानकारी कार्यालय में उपलब्ध है, इसलिए ये जानकारी सीईओ जिला पंचायत के द्वारा या वहाँ के लोक सूचना अधिकारी के द्वारा, प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने करवाए जाने के लिए आदेश जारी किया हुआ है और इस आदेश के अनुसार उन्होंने इस जानकारी को निःशुल्क उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। और यदि ये जानकारी ये उपलब्ध नहीं करवाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा जो दबाने का प्रयास करें, जिसमें ये जनता से नहीं बताना चाहते कि इनके यहाँ कितनी शिकायतें आती हैं, क्योंकि शिकायतें तो इनके यहाँ आती हैं लेकिन उसका ये निराकरण कुछ नहीं करते हैं, और इसी उद्देश्य से हमने ये जानकारी चाही थी। तो जानकारी दबाए जाने का सीधा सा इनका तात्पर्य हुआ कि ये आम जनता को भ्रम में रखना चाहते हैं, सबको भ्रम में रखना चाहते हैं कि इनके यहाँ कितना क्या निराकरण है, कितनी क्या स्थितियाँ हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक लैंडमार्क डिसीजन है। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है, इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है, और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिजाइन लॉन्च होती है वो सारी डिजाइने हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी, परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752547264 या फिर 8319317964। हमारा टेलीफोन नंबर है 076-6240-7064।